खबर अलीगढ़ से है, जहां पर सपा कार्यकर्ता अज्जू इशहाक ने बेहतर व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि अलीगढ़ के जिलाधिकारी व एसएसपी और अलीगढ़ के प्रशासन ने जो पहल की है उसके लिए मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी को भी यह महसूस नहीं हो रहा है कि वह किसी भी दौड़ में पीछे रहे। और दूसरी बात पर शेर अर्ज करते हुए कहा कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, पतली गलियों से निकलोगे तब खुली सड़क पर आओगे। वहीं सपा कार्यकर्ता अज्जू इशहाक ने बेहतर व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद हम सभी के जीवन में अहम मुकाम रखते हैं, परंतु रोजगार हम सभी की जरूरत है। फसाद का मामला खत्म हुआ, आओ हम सब माजी को भूल जाएं और आगे की तरफ बढ़ें। और अलीगढ़ के प्रशासन ने जो पहल की है उसकी पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिससे किसी को ये महसूस नहीं हो रहा कि वो किसी भी दौड़ में पीछे रहेंगे। दूसरा, वसीम अलीगढ़ साहब का एक शेर है, छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पे आओगे। मंदिर हो मस्जिद हो, इनकी अपनी हैसियत है, अपनी जगह है हम लोगों की जिंदगी में, लेकिन उससे ज्यादा आज रोजगार की, उससे ज्यादा आज जो आदमी भुखमरी से झेल रहा है उनकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। और ये एक नए हिंदुस्तान की शुरुआत है डीएम साहब, कि लोगों ने इस मुद्दे को उतना नहीं उठाया है जितना आज भी वो जो है वो बेरोजगारी को लेकर आगे चल रहे हैं। लोग सुबह से जो मिले हैं, कल से जो मिल रहे हैं, वो लगातार एक ही बात ये कह रहे हैं कि अज्जू साहब फैसला जो भी हो होने दीजिए, अल्लाह के हाथ में है, जो बेहतर होगा वो होगा, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि एक बार मसला खत्म हो जाए, ताकि हम लोगों के बीच में बीज हो। कई साल पहले बीज बोए गए थे, वो भी खत्म हुई, फसाद की जड़ खत्म। मैं बहुत खुश हूं कि फसाद का मसला खत्म हुआ, अब कम से कम हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे की तरफ आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव विकास की तरफ आगे बढ़े। यही हम लोगों के नौजवान पीढ़ी जो आगे एमयू के लड़के बैठे हैं, उनसे भी यही कहना चाहता हूं कि अब आगे की तरफ बढ़ने की बात करें। हम लोग कब तक अपने माजी में, बाबर में और उलझे हुए चीजों में जीते रहेंगे, हमें आगे की तरफ बढ़ना है इंशाअल्लाह। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं।